हेलो एवरीवन, जैन किचन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि रोटी के साथ, पराठे और पूड़ी के साथ बेहतरीन लगती है। लाजवाब टेस्ट है इस वेजिटेबल्स का, और बनाने में इतनी जल्दी आप बना सकते हो और ना आलू उबालने की झंझट, ना ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत। घर में जो मसाले अवेलेबल होते हैं, उस मसालों से हम इस वेजिटेबल्स को बनाना सिखाएंगे। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो चलिए हम इस रेसिपी को आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक कुकर को गर्म करने रख दिया है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप दूसरे ऑयल में भी वेजिटेबल्स बना सकते हो। अब हम इसमें एक तेज़पत्र तोड़कर ऐड करेंगे। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है, नहीं तो वेजिटेबल्स का टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जीरा, मस्टर्ड सीड और सौंफ ऐड करेंगे। लगभग ये एक चम्मच थी। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने दरदरा करके डाला है 4 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने इसमें ग्रेट करके डाल दिया। 4 हरी मिर्च हमने इसमें साबुत ऐड कर दी हैं, आप कट करके भी डाल सकते हो। इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें 2 प्याज कटी हुई ऐड करेंगे। इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इन्हें भी हमें थोड़ा सा पकाना है, तभी वेजिटेबल्स का टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। 1 बाउल मटर हमने इसमें ऐड की है। अब हम इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे, बड़े बड़े पीसेस कटे हुए। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन मीडियम साइज़ के आलू हमने लिए हैं, उन्हें हमने कट करके वॉश कर लिया है। मीडियम साइज़ के पीसेस हमने कट किए हैं। देखिए इसमें हम डाल देंगे और इन्हें भी 2 मिनट कुक करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करके कुकर की लिड लगा देंगे। 2 से 3 विसिल हमें लेना है। उसके बाद हम कुकर को खोलकर चेक करेंगे। ठंडा होने के बाद देखिए हम इसे खोलते हैं, वेजिटेबल्स कितनी जल्दी तैयार हो गई। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बनाओगे तो बार बार इसी वेजिटेबल्स को बनाने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, पर इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी वेजिटेबल्स में। और धनिया पत्ता इसमें हम कट करके ऐड कर देंगे। देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट करके मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी।